तो दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लास्ट में है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2191 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2015 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2527 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला था। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास की एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं कि 15 से 16% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 2527 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 2348 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2102 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 1889 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 2404 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं इस क्वार्टर में। शायद कंपनी कंट्रोल करना चाहिए इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे को, क्योंकि अगर खर्चे अगर आप गौर करते हैं तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जहाँ पर कंपनी का मेजॉरिटी पार्ट एक्सपेंस में जाता है वो अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा खर्च होता हुआ देखने को, लगभग बोल सकते हैं 40 से 45% कंपनी का जो ये एक्सपेंस है आपको बढ़ता हुआ देखने को, जबकि कंपनी का रेवेन्यू मात्र 25% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का एक्सपेंस 45% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल। ये थोड़ा सा निगेटिव है क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो इस एक्सपेंस की वजह से कंपनी का जो मेन एक्सपेंस जो है इसकी वजह से कंपनी के जो मतलब पूरे जो खर्चे हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 110 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 120 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 105 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं कि 6% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया, 105 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 111 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी एक्सपेंस में बचाए रहती पैसे तो कंपनी के प्रॉफिट मार्केट के अनुमान से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल सकते थे। EPS की बात करें, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये के आसपास, पिछले साल 4.5 रुपये, अभी देखें तो 3.80 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़े मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो मार्केट को मिस से अच्छा है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो एक्सपेंस की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक दबाव आपको देखने को मिल रहा है और साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ, मार्केट की उम्मीद जो इतनी थी उससे कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।